हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई चैनल पे। और इस चैनल का नाम है यूनिवर्स टेक हिंदी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फैलता हुआ ब्रह्मांड। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय था जब ब्रह्मांड का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा था। इसके अंदर की सभी चीज़ें प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से दूर जा रही थी। वह समय अभी है। हमारे ब्रह्मांड के विस्फोट के अस्तित्व में आने के बाद उसका प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से विस्तार हो रहा है। यह सच है। अगर आप ब्रह्मांड की किसी दूर दराज की दो चीज़ों को देखेंगे तो एक दूसरे से प्रकाश की गति से भी ज़्यादा रफ्तार से दूर जा रही होंगी। लेकिन यहाँ ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दो चीज़ों के बीच की स्पेस का विस्तार हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड पहले से ही और भी अभी भी प्रकाश से ज़्यादा रफ्तार से फैल रहा है। लेकिन क्या यह विचार आइंस्टाइन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता? उनके सिद्धांत के मुताबिक कोई भी चीज़ प्रकाश की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ सकती। लेकिन यह गलत है। वास्तव में इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ स्पेस के अंदर प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन खुद स्पेस उससे भी ज़्यादा गति से फैल सकता है और फैल रहा है। पहली बार हबल ने रात्रि के आसमान का अवलोकन करते हुए देखा था कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने देखा था कि सभी चीज़ें हमसे दूर जा रही हैं और हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का केवल विस्तार नहीं हो रहा, लेकिन उसके विस्तार की गति त्वरक यानी एक्सीलरेटिंग हो रही है। इससे हमें शायद इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि स्पेस में किसी भी चीज़ को फेंकने पर उसकी गति धीमी होने की जगह एक्सीलरेट क्यों होती है। शायद उसकी मुख्य गति के साथ स्पेस के फैलने की गति भी जुड़ जाती है और उसकी रफ्तार हमेशा के लिए बढ़ती ही रहती है। वास्तव में चीज़ें 13.7 अरब प्रकाश वर्ष के बिंदु से भी आगे तक फैली हुई हैं। हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की त्रिज्या 46 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक है और उसका व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। यह एक विशाल मात्रा है। यह सारी मात्रा एक अति सूक्ष्म बिंदु में कॉम्प्रेस थी, जिसे सिंगुलरिटी या विलक्षणता कहा जाता है। ब्रह्मांड हमेशा से ही अनंत था और आप कहेंगे कि बिग बैंग कहाँ हुआ था, तो इसका जवाब है बिग बैंग वास्तव में हर जगह हुआ था। लेकिन अगर ब्रह्मांड हमेशा से अनंत था तो वह किस चीज़ के अंदर फैल रहा था? इसका जवाब है ब्रह्मांड किसी चीज़ के अंदर नहीं बल्कि खुद के अंदर ही फैल रहा है। यही तो चीज़ है अनंतता, इन्फाइनिटी। आप कभी भी इससे भाग नहीं सकते। अनंतता, अनंतता का मतलब एक विशाल संख्या या एक विशाल नंबर नहीं है। यह एक आइडिया है, एक विचार है। विचार है किसी भी बिना अंत वाली चीज़ का। विचार है हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस नई चैनल पे। और इस चैनल का नाम है यूनिवर्स टेक हिंदी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फैलता हुआ ब्रह्मांड। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय था जब ब्रह्मांड का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा था। इसके अंदर की सभी चीज़ें प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे से दूर जा रही थी। वह समय अभी है। हमारे ब्रह्मांड के विस्फोट के अस्तित्व में आने के बाद उसका प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से विस्तार हो रहा है। यह सच है। अगर आप ब्रह्मांड की किसी दूर दराज की दो चीज़ों को देखेंगे तो एक दूसरे से प्रकाश की गति से भी ज़्यादा रफ्तार से दूर जा रही होंगी। लेकिन यहाँ ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दो चीज़ों के बीच की स्पेस का विस्तार हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड पहले से